Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 11/6/2020, subject English grammar, class 4, book the grammar at book chapter 2. My dear students, we were reading about sentences. हम लोग sentence के बारे में पढ़ रहे थे. तो हम आपको बोले थे कि sentence का कुछ revision exercises हम अपने तरफ से आपको देंगे, so that आप उसको practice कर सकें. Number 1, read each of the following sentences and state whether it is declarative, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव. ओके, यहाँ पे बोला गया है कि आपको सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि सेंटेंस डिक्लेरेटिव है या फिर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो हम चाहते हैं कि आप पहले सबसे पहले चैप्टर को पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें. ठीक है, तो हम आपको ए और बी का आंसर बता देंगे, आप बाकी को समझ के सॉल्व कर लीजिएगा. नंबर ए, व्हाट इज योर नेम. यहाँ पे देखिए सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, ये तो आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, राइट? तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, नंबर बी, हाउ रिडिकुलस दिस इज. देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो क्या हो गया सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, तो इसी प्रकार से आपको सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ये सबको सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए आते हैं नंबर टू में. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आप सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है या फिर कौन सा प्रेडिकेट. तो नंबर वन, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. तो इसे आप कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. नंबर वन, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट द सन और प्रेडिकेट was shining brightly. Okay, number two, the dogs were barking loudly. तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, द डॉग्स और प्रेडिकेट वेयर बार्किंग लाउडली. तो इस प्रकार से आपको 3, 4, 5, 6 को सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर थ्री, फिल इन द ब्लैंक्स विद डब्ल्यू एच क्वेश्चन. यहाँ पे बोला गया कि आपको ये ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है विद डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ. तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो आपको पता ही है क्या है, Which, where, how, when, what, why, ये सब जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है इसके इसको आपको यूज़ करके ये ब्लैंक्स को कम्प्लीट करना है. ओके, नंबर वन, डैश मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास. नंबर टू, डैश हैज स्टोलन माई चॉकलेट. हु हैज स्टोलन माई चॉकलेट. तो इसी प्रकार से आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आप चैप्टर सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद आप ये 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू क्लास.